गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 7 का जीके पढ़ेंगे और जीके में आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। अप इन द स्काई सबसे पहले देखेंगे हम लोग मर्करी। मर्करी डज नॉट एक्सपीरियंस एनी सीजन एज इट्स एक्सिस हैज द स्मॉलेस्ट टिल्ट। मर्करी किसी भी मौसम का अनुभव नहीं करता है क्योंकि इसकी धुरी जो होती है सबसे छोटी और झुकाव में होती है। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे जुपिटर। जुपिटर्स मून गैनीमेड इज द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। इट इज लार्जर देन द प्लैनेट मर्करी। जुपिटर जो है वो प्लैनेट मर्करी से छोटी है। अर्थ अर्थ हैज वन मून एंड टू को ऑर्बिटल सैटेलाइट्स 3753 क्रीथिंग एंड 2002 AA29। अर्थ का एक मून यानी एक चंद्रमा है एंड टू को ऑर्बिटल और उसके दो उपग्रह हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग वीनस। वीनस अनलाइक अदर प्लैनेट्स वीनस रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन नॉन एज रेट्रोग्रेड रोटेशन। ये और सारे जो प्लैनेट है उसके ठीक अपोजिट है और विपरीत है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है यानी घूमती है। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट यूरेनस। यूरेनस इज द ओनली प्लैनेट दैट रोटेट्स ऑन इट्स साइड एंड इट इज समटाइम्स नॉन एज लाइंग प्लैनेट। यूरेनस जो है वो अपने अक्ष में ही घूमती है और इसे लाइंग प्लैनेट यानी झूठा ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मार्स। द सन अपीयर्स अबाउट हाफ ऑफ इट्स साइज फ्रॉम मार्स एज इट डज फ्रॉम अर्थ। सूरज जो है वो मार्स से हाफ साइज यानी आधा दिखाई देता है, आधा उसका जो साइज है वहाँ से आधा दिखाई देता है जैसा कि अर्थ दिखाई देता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सैटर्न। सैटर्न इज द लीस्ट डेंस प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम सो मच सो दैट इट कुड एक्चुअली फ्लोट ऑन वाटर। सैटर्न जो है ये ऐसा प्लैनेट है जो एक्चुअली में वास्तव में पानी पे तैरता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नेपच्यून। नेपच्यून्स अपीयर्स डीप ब्लू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मीथेन इन इट्स एटमॉस्फेयर विच अब्सॉर्ब रेड लाइट। नेपच्यून जो है नेपच्यून में मीथेन की जो प्रेजेंस है मीथेन के वजह से ये डीप ब्लू की तरह दिखाई देता है और ये रेड लाइट जो मतलब रेड कलर को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, इसको आप लोग रिविजन कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।